हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करें अपने एग्जाम से रिलेटेड आपका एसएससी से। 16 मार्च 2023 को हुआ था सीएचएसएल का एग्जाम, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इसका मतलब ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है और इस एग्जाम में हम जो सॉल्व करने वाले हो आपके मैथ के क्वेश्चन चेक करेंगे कि किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मैथ का। तो बोला कि 4 डिजिट नंबर जो है 48AB, जो कि डिविजिबल बाई है 2, 5 और 7 तीनों से, तो 10 A और B की वैल्यू बतानी है आपने क्या होगी। तो पहले तो आप देखो कि सबसे पहले 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल क्या कहता है कि जो यूनिट डिजिट होती है तो 0 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, राइट। 2 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब 0, ये कंडीशन तो आपकी है, 0 और 5 तो है। तो उसे डिविजिट डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, बी की वैल्यू यहाँ पर अपनी आ जाएगी 0, क्योंकि 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 2, 4, 6, 8 और 0 तो होना चाहिए। तो जब यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल करना, 5 से डिविजिबल करना, तो इन सब रिकॉर्ड करो 0 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है। ए की वैल्यू आप 7 से डिविजिबल करके देख लो। ए की वैल्यू क्या करो, 7 से डिविजिबल करके देख लो। 48A0 करो डिवाइड 7 से 7 से 7, तो 7 49 नहीं होगा, 7 तो 8, 7 6 42 होता है, तो 6 7 से कंप्लीट डिवाइड करना आप, क्योंकि 0 तो होगा नहीं आगे, तो सोल्व होगा नहीं। तो इसका मतलब ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अगर आप 3 देखोगे 63 7 में 63 कट हो जाएगा, ठीक है। तो ए की 3 और बी की 0 वैल्यू रखें तो 10 × 3 − 0 तो कितना आंसर देगा, 30 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि द इनकम इन विच ईयर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की ईयर टूगेदर करना है। इनकम इनकम का ये है रेड लाइन, ये आपकी रेड लाइन इनकम की, एक्सपेंडिचर की ये वाली लाइन है। हाउ मच परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर इन एस एंड टी टुगेदर। पी और क्यू की इनकम चेक करना। पी और क्यू की आपकी पी और क्यू या फर्स्ट सेकंड है। 650 450 कितना हो गया, 1100 हो गया, ठीक है। इसका परसेंटेज बताना है किससे कितना ज्यादा है आपका एक्सपेंडिचर, एस और टी दोनों से। एस और टी का एक्सपेंडिचर निकालना, 150 और 100 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। कर दो 100 × मैं 100 कर दो। 0 से 0 कट गई, 25 से आपका 4 कट गया, तो 440 आपका राइट आंसर जाना चाहिए। 440 आपका, सॉरी ये क्या, 25 चौके 100, 1 मिनट भाई। अच्छा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा, मोर देन बोला है। 1100 − 250 करके देख लो तो आपको कितना आ जाएगा, 850 आ जाएगा। 850 × 25 × 100, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 25 × 100, 4 × 5 = 20 होता है, 4 × 4 = 32 होता है, 3240 आपका आंसर जाना चाहिए। ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि मोर देन पूछा मैंने, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है कि साइड का क्यूब होता है, जो कि 1728 है। यहाँ से साइड कितनी आ गई, 12 हो गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है, 4 सॉरी 6 क्या होता है, 6 a² होता है, तो 6 × 12 × 12 करके देख लो, तो 6 × 144 करके देख लो, तो 84 84 के लगभग जाएगा। तो 84 कम है, 84 से बहुत कम है, 84 से बहुत ज्यादा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं आपको। एंगल सब्टेंडेड बाई कोण पी क्यू, जो एक सर्कल है सेंट ऑन सेंटर पर एंगल जो बना रहा है 180 डिग्री का, लेंथ ऑफ क्यू पी क्यू इतना 54, तो व्हाट विल बी द डायमीटर। सेम लाइन है, 54 का 54 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप बना के देख लो, क्योंकि सेंटर पर एंगल जो कोण दे रहा है वो आपको 180 डिग्री दे रहा है, और 180 डिग्री आपका डायमीटर ही देता है, ठीक है। पी क्यू अगर 54 है तो इसका मतलब डायमीटर भी कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1% बोरो करता रेट 8000 कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट 20% पर एनम दे रहा, तो इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से इसको रेट में लगाया गया, तो अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1.5 ईयर्स।
तो जब आपको दे रखा कि हाफ ईयरली, तो इसका मतलब ये 20, ये जो रेट होता है वो भी हाफ हो जाता है, 10% हो जाता है। ठीक है, 10% डेढ़ ईयर, डेढ़ ईयर मतलब 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, मतलब कितना बार, 3 बार। तो 3 बार कर लो, 10 से 11, 10 से 11, तीसरी बार 10 से 11, मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के साथ, तो ये आपका 1,000 है। ठीक है, और ये आपका कितना है, 1,331 है, क्योंकि ये प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है। ठीक है, बोला कि प्रिंसिपल इतना, तो अमाउंट हमें बताना है। तो ये क्या कितना है, बराबर है 8,000 के बराबर है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 8 से मल्टीप्लाई किया होगा। सेम आपने 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, करा देने, तो 8 एक 8, स्टार्टिंग डिजिट 8 है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 8 3 24, 4 आ जाएगा, 8 है, ये नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे कैलकुलेट करो चाहे मत करो, अगर करो तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं आपका। बोला कि टोटल नंबर ऑफ टीचर 1800 है, 1800 है टोटल नंबर ऑफ टीचर, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1800 दे रखी है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर इन हिंदी टू द नंबर ऑफ टीचर इन इंग्लिश एंड मैथ टूगेदर, हिंदी 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 यहाँ पर 12%, 12% हिंदी है। रेशियो रेशियो पूछा आपसे कितना से, इंग्लिश और मैथ के दोनों से, इंग्लिश 18 है और मैथ कितना, 15 है, तो 15 15 30 और 3, 33% आपका हो जाएगा, 33%। 3 से कट करो तो 4%, 3 से कट करो तो 11% भी कट करो तो 4:11 आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना, तो ये आपका एक्स वाई, ये आपका वाई, सॉरी ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो सिंगल डिस्काउंट बताना। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 कर दो, 10 प्लस 20 माइनस 10 × 20 डिवाइड बाई 100 करोगे, 00 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका 30 होता है, -2 कर दो, 28 होता, 28 आपका राइट आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 8th क्वेश्चन। बोला कि डिस्टेंस ऑफ कोर्ड ओपी है जो कि सेंटर पर, सेंटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, डिस्टेंस कोर्ड के डिस्टेंस दे रखी, तो आप चेक करोगे यहाँ पर ये सेंटर ही है आपके, 6 डिस्टेंस दे रखे हैं। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 20 है, डायमीटर 20 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो सम ऑफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ कोर्ड ओपी, तो रेडियस कितनी, रेडियस के साथ ओपी एक कोर्ड है उसको प्लस कर दो, तो रेडियस कितनी आपकी, 10 है, तो ओपी की लेंथ कितनी हो जाएगी। आपने देखा होगा ट्रिपलेट यूज किया होगा 3 4 5 का, तो 5 की जगह इन्होंने 10 दे दिया, 3 की जगह 6 दे दिया, मतलब डबल मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 आ जाएगा 8, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 8, और ये भी कितनी हो जाएगी, 8, तो 16, 16 प्लस कर दो, 26 आपका राइट आंसर दे देगा। क्या घुमा के क्वेश्चन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर है जिसका रेशियो 6 और 9 है, ठीक है, 9 और 16 है, तो दोनों को इंक्रीज किया गया 40 से और रेशियो बना दिए 2 3 का, तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स बताना है, तो 9 और 16, 9 और 16 कर दो भाई, फर्स्ट और 16, और 40% इंक्रीज किया गया तो 140 हो गया सोचो। तो इसको सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों को 100 से, क्योंकि 900 ये हो जाएगा इंटू में 1600 ये हो जाएगा, 900 का 40% कितना होता है, 360, 360 को इंक्रीज कर दो इसमें से, और 1600 का 40% कितना होता है, 640 होता है, 640 को इसमें प्लस कर दो, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 1260, यहां से आपका कितना हो जाएगा, 2260। तो ये रेशियो जो है ना, ये 2:3 में है, ठीक है, 2:3 में है, तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स बताना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना, चेक कर लेते हैं, ये आपका 2:3 में है। अगर 2:3 में, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड किससे होगा, 2 6 जा 2 3 जा 0, 3 6 जा 18 4 6, नहीं हो रहा भाई, 640 है ना, हाँ 3 6 जा 18 4 4, ये थोड़ा सा गलत हो गया लगता है, तो 1600 640,
चलो सिंपल तरीके से एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होगा कि अगर 9 16 है, 9 और 16 है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐड किया, 40% इंक्रीज किया, जब आपके पास कितना आया, कितना आया, 2 और 3 आया, ठीक है, 2 और 3। अब इंक्रीज किया तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, तो बड़े होंगे तो हम इसको बड़ा करेंगे, तो बड़ा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 दूनी 6 दूनी 12 और 6 3 18, बट सेम आना चाहिए क्योंकि इन्होंने बोला कि 40, दोनों में 40 है तो सेम आना चाहिए। तो मेरा इधर अगर 6 से करूंगा तो मैं आपके पास क्या होगा, तो इधर तो 3 प्लस हो रहा है, इधर 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से हम ज्यादा सॉरी 6 दूनी 12 6, हाँ इधर 2 प्लस हो रहा है, 7 से करते हैं, 7 दूनी 14 और 7 3 21, आप चेक करोगे कि इधर 5 प्लस हो रहा है, इधर भी 5 प्लस हो रहा है, इस 5 की वैल्यू कितनी बराबर है, 40% के बराबर है, ठीक है, सॉरी 40 है ना, ये मैं परसेंटेज निकाल गई, ये तो मैंने गलती की है, वैसा आसान क्वेश्चन दे रखा था, 40 है ये, मैं परसेंटेज सोच गया भाई, सॉरी इस वजह से तो गलत हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं स्टेप, अगर 5 और 40 है तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बोला क्या है, डिफरेंस पूछा है, दोनों नंबर, ये दो नंबर है तो 9 और 16 का डिफरेंस पूछा है, 7, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 56 आपका राइट आंसर दे देगा, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है। फाइंड द ईयर मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, मिनिमम प्रोडक्शन बताने व्हीट की कौन कौन से साल में है, तो ये क्या दे दिया, MNO, 4 कंजेकेटिव ईयर, अच्छा स्टेट है, तो व्हीट कहां पर है, देखो भाई मिनिमम बताना, तो मिनिमम यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे छोटा 2019 का दिखाई दे रहा है यहां तक, और ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, अगर आप सम करोगे तो ये आपका 190 है, ये आपका 430 है, और ये आपका कितना है, 312, मानता हूँ कि नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन फिर भी आप ट्राई कर लेना, ये आपका 330 है, आंसर भी चेक करेंगे, टेंशन मतलब 290 है, ठीक है, आप सम करके जरूर देख लेना, मेरे ख्याल से 2019 आपका राइट आंसर होना चाहिए, और ये आपका 2018 है, चेक कर लीजिए कौन सा कम है, तो मेरे ख्याल से 2019 कम है क्योंकि मुझे इस टेबल में दिखाई दे रहा है 2019, ये लो, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आंखों देखी सोल्व हो जाते हैं, हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, तो आप फिर भी चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। बोला कि रेशियो ऑफ थ्री नंबर ये दे रखा है, 20% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 30 एंड 50% ऑफ डिफरेंट और थर्ड एंड सेकंड नंबर, अच्छा 50% क्या पूछा है, तो ये मान लो 6 5 और 9 दे रखा है, तो रेशियो बना लेते हैं, 100 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो 20% 20%, एक मिनट भाई, इसका 20% जो है, इसका 20% अगर मैं निकालू, 20% 20% निकालना है, कुछ सॉल्व नहीं करना आपने, 20% कितना हो जाएगा, 30 के बराबर है, 600 का 20% कितना हो जाएगा, 120, और 120 की वैल्यू यहाँ से 30 आई है, तो यहाँ से 40 की वैल्यू 30 3 से कट करोगे और 4 की वैल्यू 3 के बराबर है, ठीक है, तो 50% पूछा है, किस किस का, इन दोनों के डिफरेंस का 400 का, ठीक है, तो 4 को हमने 400 बना दिया, और 400 का 50% कितना होता है, 400 का 50% 200 होता है, 200 होता है, अगर 4 की वैल्यू 3 है तो 200 कितना हो जाएगा, ये तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा, इंटू 50 से मल्टीप्लाई, इंटू 50 से मल्टीप्लाई करो तो 150 आना चाहिए, कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हुई है, तो डिफरेंस डिफरेंस 400 उसका 50% गया और 50% की वैल्यू निकालनी है, 150 आया, ठीक है, तो बाकी एक बार सॉल्व कर रहा हूँ दोबारा, कोई नहीं भाई एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं वीडियो लास्ट,
वैसे इसका आंसर 50 ही करता मैं, अगर सोल्व करता तो इसको मैं सोल्व नहीं मतलब इस तरह से भी, क्योंकि 50% ज्यादा करना तो 100 माइनस कर देता मैं और आपका आंसर 50 आ जाता। लेकिन एक सिंपल तरीका और देख रहा हूँ मैं, 569, 20% ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ये, इसका 20% कितना होता है, 6 का 20% आपका 6x, तो 6x का 20% आपका 2/10 कितना दे रखा है, 30 की वैल्यू दे रखी है। इनको x मान लेते हैं, x से मल्टीप्लाई मैंने 100 से किया था, तो चेक कर लेते हैं, 2 से आपका 5 गया और 6 से आपका ये 5 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, x की वैल्यू 25 है। तो फर्स्ट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 6 गुना 25 150, 5 गुना 25 225, और 9 गुना 25 कितना हो जाएगा, या आपका 125 या आपका 225। तो सेकंड नंबर 225 है, थर्ड नंबर 200, या सॉरी 125 है और थर्ड नंबर 225 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा, और 100 का हमें क्या निकालना, 50% निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 50 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे भी सोल्व हो जाता है क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 को माइनस कर देता हूँ, तो वहां से भी आपका सोल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है कोस का, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो आपको पता है ट्रिपल एच आसान से दे रहा है कि 5 12 13, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। टेन टेन क्या होता है, टेन आपका पी अपॉन बी होता है, कोट क्या होता है, बी अपॉन पी होता है, बेस क्या करना, 5/12 + 5/12 और 5/12 एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60 ले आएगा, तो 60 जिसके नीचे है वो उसको रखो, बाकी कट करो कट करो कट करो, और इसको कट करो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप प्रैक्टिस करिए कि यहाँ क्या आएगा, इन दोनों का सम क्या आएगा। ठीक है, बोला कि 8 आदमी और या फिर 10 बॉयज, या तो 8 आदमी या 10 बॉयज किसी काम को 174 दिन में करते हैं, तो मैं करता हूं 10 बॉयज 174 दिन में करते हैं, तो टोटल काम 174 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, वही 12 आदमी और 14 लड़के कितने दिन में करेंगे, पहले तो आप मेन और बॉयज का रेशियो निकाल लो। ठीक है, मेन और बॉयज का रेशियो निकाल लेते हैं, मैं 8 आदमी इज इक्वल टू 10 बॉय, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, तो यहाँ 4 यहाँ 5, तो m इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहां से सोल्व करेंगे 4b आएगा, क्योंकि रेशियो निकालो, रेशियो करना है बस, m की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, तो टोटल काम कर लेते हैं, b की जगह हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, बॉयज के 4 से। ठीक है, अब बोला कि 12 आदमी 14 बॉयज इसी काम को कितने दिन में करेंगे, डिवाइड कर दो 12 आदमी, m की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस में 14 लड़के कितने हैं, 4 है, सोल्व कर दो, 10 गुना 174 गुना 4 डिवाइड बाई 12 5 60 और 14 चौक 56, 60 और 60 120 में से 4 माइनस करोगे तो 116 हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, राइट, 4 से कट करो, 4 4 2 8, 4 9 29, और 29 से कट करोगे तो ये आपका 6 9 54, 6 पे चला गया। ठीक है, 6 गुना 10 करोगे तो 60 आपका राइट आंसर दे देगा। एवरेज एज बोलिए टीम की, 12 प्लेयर की 24 साल है, अगर द एज ऑफ कोच इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज एज इंक्रीज हो जाती है 2 साल से, तो एज ऑफ कोच बतानी है, तो 12 प्लेयर की 24 साल है, तो मल्टीप्लाई करा दो कितना आएगा, 1248, 12 2 24 और 4 88, अब कोच ऐड हो गया तो 13 हो गए, इंटू में एवरेज एज क्या हो गई, 2 इंक्रीज हो गए, 2 इंक्रीज हो गए तो मतलब 26 हो गए, 13 6 कितना होता है, 13 6 13 6 कितना होता है, 78, 13 2 26, 26 23। ठीक है, यही तो होगा ना, नहीं भाई कम हो रहा, 13 2 26, 26 और 7, 13 2 26 और 7 33 होता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐड हुआ तो यहाँ पर कितना है? इंक्रीज होगा 50, इंक्रीज होगा तो 50 से तो हमने निकालना था, ये से एक की वैल्यू तो निकालनी थी। नेक्स्ट चेक करते हैं, तो क्या बोला है,
अगर ए क्यूब को मैं यहां डिवाइड करूं सबके नीचे, ए क्यूब को क्या करूं डिवाइड करो तो ऊपर आ जाएगा ए क्यूब प्लस 1 माइनस 1 बाय ए क्यूब आ जाएगा, और नीचे क्या डिवाइड करें ऐसा 9 को हटाने के लिए, तो ए क्यूब भी हम नहीं कर सकते, तो ए 9 दे रखा है प्रॉब्लम ये। अरे इसको तो जरूरत ही नहीं करने की, सीधा क्या करते हैं देखो, ए प्लस 1 बाय ए कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो आपको -1 दे। तो यहां से हम देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू -a हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन क्या होगी जब ए 0, सॉरी, तो भाई ऐसी कंडीशन दी जाती है, तो हम मैं फिलहाल स्किप हो गया दिमाग से, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, ए क्यूब की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी अगर ऐसी सिचुएशन आपको दी जाती है। तो यहां से आप क्या देखोगे, ए क्यूब का स्क्वेयर है, ठीक है, प्लस में ए क्यूब है -1 है, नीचे ए क्यूब की पावर 3 है, प्लस में ए क्यूब है -1 है, ठीक है, ए क्यूब की पावर 2 है, तो 1 प्लस 1 -1, नीचे 1 प्लस 1 -1, तो ये दोनों तो कट गए, तो 1 बाय 1 1 आपका आंसर दे देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से थोड़ा स्टेप मेरे दिमाग से स्किप हो गया, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी मैंने रख दी है। ठीक है, ट्राई करता हूँ किसी नई वीडियो में समझाने की इसको। तो आपके पास ये दिया गया 16 के बराबर, तो हमें ये निकालना है, तो सोल्व कर लीजिए इसको कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 x हो जाएगा। यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस आपका 4 x हो जाएगा इज इक्वल टू 16 के बराबर है, तो एक्स 2 x स्क्वायर हो गया प्लस में 6 x हो गया, और 1 और 4 5 हो गया, 5 को उधर भेजें तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको अगर डबल कर लेता हूँ, इसको डबल कर लेता हूँ और इसको भी डबल कर दें, तो यहां से आपको क्या दिखाई देगा, 4 x² + 12 x दिखाई देगा, जो कि 22 के बराबर, इतना 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 4 x² + 12 x कितना है, 22 है, प्लस 40 कर दो कितना आ जाएगा पास, कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रेन की लंबाई है 360 मीटर जो क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक पोल को 30 सेकंड में, क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को सेम लेंथ, सेम मतलब 360 ही, ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन कर रही है 15 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन हमें निकालनी है, तो चलो भाई निकालते हैं अपना। अगर आपको पता है कि 30 मीटर की है तो 30 सेकंड में कवर कर रही है, तो यहां से स्पीड आ जाएगी 360 बटे 30 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 12 आएगा, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, दूसरे की हम मान लेते हैं एक्स, दूसरे की स्पीड मान लेते हैं एक्स, एक्स हमें निकालना है, तो 12 प्लस x, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन हम क्या करते हैं, दोनों स्पीड को प्लस करते हैं, ठीक है, दोनों स्पीड को प्लस करते हैं और सेम डायरेक्शन में डिफरेंस करते हैं, तो बोला कि इस स्पीड से ये आपकी स्पीड हो गई, टाइम आपको 15 सेकंड का दिया गया, तो इसका मतलब 360 प्लस दोनों ट्रेन है 360 की, दोनों की लेंथ ऐड कर दो, डिवाइड बाय 15 कर दो, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 720 बटे 15, 15 चौके 60, ठीक है, 120 और 15 8 120, तो 12 प्लस x = 48 आए, तो x की वैल्यू यहां से 36 आ जाएगी, 36 मीटर पर सेकंड जो होगी वो दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनिल सोल्व करता है एक आर्टिकल को 15% लॉस में, यदि वे सोल्व करे 84 ज्यादा 80 रुपये 84 में ज्यादा तो उससे प्रॉफिट होता है 113 का। देखो पहले 15% का नुकसान करता है, तो इसका मतलब 85% हुआ, अब वो 13% का प्रॉफिट करता है, तो इसका मतलब क्या होता है 113% हुआ, इस बीच का जो डिफरेंस आया वो कितना है 84 है, क्योंकि 85 से कितना ज्यादा गया था कि 113 गया, तो 85 से कितना ज्यादा गया भाई, 15 25 और 28 ही तो गया होगा ना, कितना ज्यादा गया,
आप देखोगे तो शायद 28 ही गया है, 28% गया, तो 28% की वैल्यू यहाँ पर 84 के बराबर है। तो आप देखिए 3 से मल्टीप्लाई होता है, 1% की वैल्यू 3 से हो रही है, तो 100% जो होता है वो अपना सीपी होता है। 100% हमेशा हम क्या मानते हैं, सीपी को मानते हैं। याद रखना, कभी भी आपका एग्जाम आ जाए और दिया ना गया तो 100% हमेशा सीपी को मानते हैं, तो 300 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 1 को 100 बनाए तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 को भी 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है? बोला कि 20% का फायदा चाहिए, तो 300 पे हमें क्या चाहिए, 20% का फायदा, मतलब 120/100 चाहिए, तो 0000, तो 360 आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मीडियन है डी एम और ई एन, ट्रायंगल डी ई एफ में, ओके, डी ई एफ, डी एम, डी एम मीडियन है, मीडियन है, कुछ और कंडीशन दे रखी, नहीं दे रखी, डी एम और ई एन, ई एन भी मीडियन है, ई एन मीडियन है, तो ये लेंथ क्या होगी, बराबर होंगी, ये लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अगर ई एफ 20 है, अगर ई एफ 20 है, तो ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, याद रखना। ई एन 12, अब ये लेंथ जो है वो 12 है, तो देखते हैं क्या इसमें इन्होंने पूछा है। देन व्हाट द लेंथ ऑफ डी एम, डी एम की लेंथ पूछी है। जब आप मीडियन करते हैं तो ये आपका सेंट्रोइड बनता है, और सेंट्रोइड क्या करता है, रेशियो में डिवाइड करता है, ये 2 में, ये 1 में। अगर 3 की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू 12 दे रखी है, 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 4 बताओ, 1 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8, तो ये लेंथ आपको डिवाइड कर देंगे, डी एम बताना है, ये वाली लेंथ, ये भी आपकी क्या होगी, 2 × 1, ये रेशियो होते हैं, ये आपके यहाँ पे 2 1 नहीं आए, आपको रेशियो काउंट करना है, ठीक है? तो 2 1 है, तो चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आपको ये यूज होगा। और आप देखोगे कि आप नोटिस करोगे, सेंट्रोइड जो होता है वो क्या करता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में काटता है, जो ये मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए, ये जो होगा ना, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर, अच्छा होगा इसको, तो ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल यहाँ पे जो मैंने डार्क सर्कल किया है, ये 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री में आप चेक करोगे क्या कुछ, सॉरी, कुछ ऐसा अपना फेस सरफेस आया है, ये आपका 8 है, ये 10 है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिपलेट देखे होगी तो आपने 8, 6 और 10 का देखा हो, तो ये 6 होगा। अगर ये इस 1 की वैल्यू 6 है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और पूरी लेंथ पूछा तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है? 18 राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू दे रखी है √3, एक्स लाई करता है 0 और 90 के बीच में, तो 10x की वैल्यू आपको बतानी है। चलो देखते हैं भाई, तो आपको एक चीज पता होगा इसमें, क्या पता है कि अगर मैं सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स करो तो वो 1 के इक्वल होता है, आइडेंटिटी होती है। तो इसको सोल्व करते हैं, सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स माइनस 10x, ये भी 1 के बराबर है। अगर ये वैल्यू √3 है, तो 1 आने के लिए इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1/√3, ठीक है? तो अब देखो, मेरा जो दूसरा पोर्शन कहने का मतलब क्या था, कि दूसरा निकालो 10x = 1/√3 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 10x चाहिए, तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये तो कट जाएंगे, तो यहां से 2 tan x आ रहा है, 2 tan x कितना आ रहा है, √3 - 1/√3 आए, तो 2 tan x कितना दे देगा आपको, ये आपका 3 - 1, 2/√3 दे देगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 1/√3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका, L1 L2 दे दी, L1 क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ जे इन ईयर ए एंड बी, ओके, एंड एक्सपेंडिचर कंपनी के सी एंड डी, जे का ए, जे आपका ये लाइन है नीचे वाली और के आपके ऊपर वाली है, ए एंड बी का एवरेज, ए एंड बी का एवरेज जे कंपनी में, जे कंपनी में 400 और 300, 700/2 डिफरेंस करना है,
ये आपका कितना है L1 एंड एवरेज का एक्सपेंडिचर ऑफ के सी एंड डी। सी एंड डी में के का सी एंड डी के का 500, 300, 800 बटे 2 सॉरी। तो यहाँ से डिफरेंस आप चेक करोगे तो 50 का आएगा क्योंकि यह 350 है, यह 400 है। तो डिफरेंस चेक कर, डिफरेंस ही तो करना है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में देता है, याद रखना है। L2 वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी के और 5A, के का निकालना। तो के क्या है, 1000 प्लस 708 1700 और 500 कितना हो गया, 1700 और 500 आपका 1700 और 500 कितना हो गया भाई, 1700 पहले 300 2000 और 2000 और 500 2500, 2500 और 200 700 2700 हो गया। ठीक है, एवरेज निकालना बटे 5 कर दो, तो 5 25 520 540 आपका एवरेज आ गया। तो 50 डिफरेंस किया है, तो इसका मतलब क्या गया, यहाँ पे क्या बोला कि L2 - L1 बोला है। L2 कितना, 540 माइनस 50 अगर हम करेंगे तो 490 आपका राइट आंसर दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक कंपनी की एवरेज एज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय है 24 ईयर्स। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉय है 24 साल, एवरेज एज ऑफ ऑल एम्प्लॉय है 32 साल। इफ द मेल और फीमेल आर नंबर सेम तो एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉय बतानी है। चलो अगर मैं एक मान लू, अगर मैं फीमेल मान लो, जो भी यहां भी दे रखा है कि फीमेल और फीमेल नंबर ऑफ सेम है, तो मैं एम इज इक्वल टू एफ ही कर लेता हूँ। F 24 है तो यहाँ पर 2F की वैल्यू कितनी दे रखी, 32 दे रखी एवरेज। ठीक है, 2F की वैल्यू कितनी दे रखी, 32 दे रखी है। ठीक है, और खाली 1 मिनट, तो मैं एक काम करता हूँ, रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। रेशियो इक्वल है मेल और फीमेल का, इक्वल है, तो 24 है और दूसरे मेल की हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, रेशियो इक्वल है तो 1:1 रेशियो मान लेते हैं, डिवाइड बाई 2 कर दो, एवरेज आ जाएगा कितना, 32। टोटल टोटल निकाले हैं तो यहाँ से 24 + 32 इज इक्वल टू 64, एक्स इज इक्वल टू 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 40, क्योंकि एवरेज एज ऑफ मेल बताना था और एवरेज एज ही तो मानी थी हमने एक्स, तो 40 ईयर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक ट्रेंगल है ABC, राइट एंगल ट्रेंगल है, B पर 90 डिग्री है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका C है। AB अगर 12 है, BC अगर 5 है, तो क्या निकालना है, ये आपका 13 हो जाएगा ट्रिपलेट से। कोस A कितना होता है, कोस A ये वाला, इसके साथ वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बेस कहते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसका बेस ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 बटे हाइपोटेनियस आपका 13 होता है, प्लस साइन सी, साइन का परपेंडिकुलर क्या होगा ये, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस एंगल का परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, 12 हाइपोटेनियस 13 है, तो 2 24 बटे 13 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका, ज्यादा सोचना है नहीं, तो इसको सॉल्व करते, 5 से आपका ये 3 चला गया, 6 से आपका ये 2 चला गया। ठीक है, 5 से आपका ये 3 चला गया, 3 से आपका ये 6 चला गया, 6 से आपका 12 2 चला गया, और 9 से 18 2 चला गया। ठीक है, सॉल्व कर दो, 3 3 9 - 12 2 24 + 3 6 18 डिवाइड बाई 6 5 30 - 2 5 10 + 2 5 10 10 से 10 कैंसिल आउट करो, ऊपर 9 और 18 27 होता है, 3 ऊपर नीचे 30 आ जाएगा, तो 1/10 आपका राइट आंसर दे देगा, 1/10 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि PX जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है X पॉइंट पर। ठीक है, PX जो है वो एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पर टच होकर जाने वाली लाइन, ये आपकी क्या होगी, PX। ठीक है, P, और टच द सर्कल एट पी, अच्छा पी पर टच कर रहा है, तो ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका एक्स मान लेते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ एक सेंटर है। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10, ये आपकी 10 है। ठीक है, और ये 90 डिग्री होता है, याद रखना, ओ एक्स 26 है, अगर ये 26 है, ये 26 है,
तो पी एक्स की वैल्यू पता नहीं। एक्स आपने 888 देखा होगा क्या, 5, 12, 13 का। अगर हम मैं इसको डबल से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 10 आएगा, ये 24 आएगा, ये 26 आएगा। 10 और 26 आपको दे रखा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा चुके हैं। हाँ, कुछ वीडियो में मतलब कंफ्यूज हुआ हूँ कुछ क्वेश्चंस में, तो उसके लिए सॉरी। तो आज के मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं आपकी बार शिफ्ट में। पहले जो शिफ्ट थी वो बहुत इजी इजी क्वेश्चन दे रखे थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखे थे। तो ये क्वेश्चन रियलिटी में ये होते हैं, आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो रियलिटी में ऐसे होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।